पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मिर्जापुर में परिवहन विभाग के एआरटीओ को हमला कर घायल कर दिया गया। दरअसल ओवर लोड ट्रकों की जांच और चालान करके वापस लौटते समय अज्ञात लोगों ने डंडे और लोहे की लौट से उन पर हमला कर दिया और एआरटीओ की गाड़ी पर हमला कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाने वाले अधिकारी इन माफियाओं के निशाने पर हैं। फिलहाल पुलिस एआरटीओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। वहीं एआरटीओ का कहना है कि अक्टूबर में भी इसी तरह से उन पर हमला किया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में मैं वाहन की चेकिंग करने के लिए निकला था और भरौना चौकी के पास तीन वाहन खड़े थे जिसमें ओवरलोड थे, तो मैंने एक गाड़ी का चालान किया तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और वो इसका विरोध करने लगे कि आप लोकल गाड़ी का चालान कर रहे हैं, आप खड़ी गाड़ी का चालान कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर गाड़ी ओवरलोड है तो खड़ी गाड़ी या लोकल गाड़ी का मतलब नहीं होता है। तो जब वो विरोध करने लगे तो मैं दो गाड़ियों का चालान करके आगे बढ़ गया और उसके बाद इमलिया चट्टी से लेकर अहरौरा के मध्य मैंने तीन गाड़ियां ओवरलोड पकड़ी जिनको अहरौरा थाने में बंद किया और दो गाड़ियां खड़ी थी जिनके ड्राइवर चले गए थे उनका चालान किया और उसके बाद लौटते समय आम घाट क्रॉसिंग बंद थी वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। तभी ट्रक के बगल से कुछ 6-7 लोग जो है वो मोटा डंडा और लोहे की रॉड लेके आए और गाड़ी का बहुत तेज गाड़ी में प्रहार किया जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और सामने गाड़ी का शीशा भी प्रहार किया वो चटक गया और उसी शीशे से उन्होंने लोहे के रॉड भी अंदर मारने का प्रयास किया जिसको मैंने पकड़ लिया था और संभवतः शीशा लगने से मेरे चेहरे पे जो है ब्लड आने लगा था